घर सजाना किसे अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, जो कि मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि घर सजाना किसे अच्छा नहीं लगता। मैं छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को सजाती हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुनमुन स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। ट्रेडिशनल चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव करती हैं मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि मेरा जो घर है वो ट्रेडिशनल तरीके से मैं उसको सजाऊँ। तो आज एक ट्रेडिशनल डिकोर पीस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बजट में रहकर मैंने बनाया है और एक न्यूज़पेपर से कटिंग करके मैंने बनाया है। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में। तो चलिए बिना देरी करें आज का वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो आज जो मैं डेकोर पीस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसके लिए मुझे ज़रूरत थी कार्डबोर्ड की, पर मेरे पास इस लंबाई में और चौड़ाई में कार्डबोर्ड नहीं था। तो मैंने इस्तेमाल किया अपना एक पुराना पेंटिंग जो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम पहले इसका वीडियो शेयर किया था, और मैंने ये कैसे बनाया था इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हो क्लिक करके। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पर पुरानी चीज़ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब काफ़ी टाइम से इसका मैं अपने घर में सजाकर यूज़ कर चुकी हूँ और मन भी भर गया है अभी, इसीलिए मैं इसको निकाल कर अलग कर रही हूँ और करने के बाद इस बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ग्लू गन का भी इस्तेमाल किया था। तो इसका जो सरफेस है इसको पूरा अच्छे से प्लेन भी करना है ताकि इसके ऊपर हम जो भी चीज़ अप्लाई करें वो स्मूथली अच्छे से पेंट हो, क्योंकि अभी हम कलर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये अच्छे से साफ़ हो गया उसको फिर मैंने गीले कपड़े से भी साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर अब इस्तेमाल कर रही हूँ एक्रेलिक का ब्लैक कलर। और इसको पेंट करने के लिए मैं स्पंज का मदद कर ले रही हूँ। स्पंज से क्या होता है, थोड़ा अच्छे से एक 3D इफ़ेक्ट जैसा आएगा टैप 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 करने से। इसी वजह से स्पंज की सहायता से मैं यहाँ पर पहले ब्लैक कलर इस्तेमाल किया, उसके बाद मैं ब्लू कलर जो डार्क रॉयल ब्लू होता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरा जो बोर्ड है उसको कलर करके रेडी कर लूँगी और इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी, और जब ये सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो वो क्या करेंगे आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक न्यूज़पेपर जो कि 2019 का पेपर है और लोकमत महाराष्ट्र का फेवरेट न्यूज़पेपर है। तो उस टाइम पे ये विट्ठल की जो रूप है इस न्यूज़पेपर पे बहुत ही खूबसूरत था, तब से मैंने ये संभाल के रखा हुआ था। और बोलते हैं ना कि जो चीज़ आप संभाल के रखो वो कब क्या इस्तेमाल में आ जाए कोई बोल नहीं सकता। तो मैंने देखिए आज के लिए ही, आज के दिन के लिए ही इसको शायद संभाल के रखा हो। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी पुरानी मैगज़ीन है जिसको आपको बहुत पसंद है तो कुछ इस तरीके से आप रीयूज़ कर सकती हैं उनको अपने घर को सजाने के लिए। तो देखिए जो पेपर में से मैंने कटिंग उसकी निकाल ली है विट्ठल की, और जो भी चीज़ मुझे निकालनी थी वो मैंने कटिंग करके निकाल ली। अब जो बोर्ड है हमारा उस बोर्ड के ऊपर इसको ग्लू की सहायता से, जो अपना फेविकॉल होता है उसकी सहायता से मैं इसको चिपका दूँगी। अब मैं जब ये कर रही थी तो करते करते दिमाग में बहुत सारे आइडिया चल रहे थे, मुझे नहीं पता था कि ये कैसा बन के रेडी होगा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, बस मैं करती जा रही हूँ और वो अपने आप ही बनता जा रहा था। और कैसा बना लास्ट में आप देखकर ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर जब मैंने इसको नीचे विट्ठल जो लिखा हुआ था वो चिपका दिया, उसके बाद में जो मैंने विट्ठल का जो रूप है जो कटिंग निकाली है उसको भी मैं यहाँ फिक्स करके देख रही हूँ, और पीछे मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया कि क्यों ना भगवान के पीछे देखो चक्र सा होता है वो भी मैं क्रिएट करूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टेंसिल लिया, लेकिन गलती मेरे से फ्रेंड्स क्या हो गया कि मैंने जैसे ही इसके ऊपर कलर किया, कलर करने के बाद मैंने तुरंत निकाल दिया, सबर नहीं था। इसीलिए जब आप स्टेंसिल का काम करते हैं थोड़ा सा रुकने के बाद फिर उसे निकालिए। तो कुछ इस तरीके से
सूख जाने के बाद मैंने इसके ऊपर मॉट पॉज ग्लू का इस्तेमाल किया जो हम डेकोपाज में इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फेविकॉल में थोड़ा पानी मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरीके से अब जो बिट्ठल का जो हमने कटिंग निकाला था उसको मॉट पॉज ग्लू की सहायता से, जैसे हम डेकोपाज का काम करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने ये काम करना है। हल्के हल्के हाथ से इसको चिपका देना है, और देखिए कहीं पर भी बबल नहीं आने चाहिए, नहीं तो बहुत ही इस टाइम पे बहुत संभल कर काम करना है। तो आप मैगज़ीन से निकालिए, कुछ भी निकालिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे छोटा सा बनाइए पर कोशिश करना ऐसा ही कुछ बनाने का, और मेरे साथ इंस्टा पे ज़रूर शेयर करना। तो देखिए मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर आउटलाइनर ले रही हूँ। आउटलाइनर से जो भी हमारे बिट्ठल की जो माला है गले की, या जो मैंने अभी चक्र बनाया उसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ पर स्केच पेन, लाइनर, आउटलाइनर, सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उसे मैंने कंप्लीट कर लिया। उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर कुछ मिरर का इस्तेमाल कर रही हूँ बॉर्डर देने के लिए। तो मेरे पास कुछ पुराने मिरर रखे हुए थे और ये काफ़ी मिक्स हो चुके थे, अलग करने का तो टाइम ही नहीं था, और कुछ इसमें टूटे हुए भी हैं, मतलब खराबी समझ लीजिए। तो मैंने इस्तेमाल किया इसको यहाँ पर बॉर्डर देने के लिए। तो देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद ही बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। अब एंड में मुझे ऐसा लगा कि कुछ खाली लग ही रहा है, जैसे हमेशा कुछ ना कुछ मैं बनने के बाद भी मुझे इनकम्प्लीट ही लगती है कुछ चीज़ें। तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर वॉल चेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो क्योंकि थोड़ा सा बॉर्डर अगर हम देंगे तो सुंदर लगेगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर वॉल चेन का इस्तेमाल किया। और अगर आप लगाते हैं वॉल चेन तो पहले ही लगा लीजिएगा मिरर लगाने से पहले। अब उसके बाद लास्ट में हम वार्निश का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसके ऊपर एक शाइन आ जाए, वाटरप्रूफ हो जाए, और मतलब आप इसे डस्ट फ्री हो जाए। आप इसको बस कपड़े से साफ भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और बहुत ही सुंदर सी एक पेंटिंग बनकर रेडी है। तो आप बताइए देख के कि आपको कैसा लगा। बिट्ठला बिट्ठला करते करते आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप कोई भी कटिंग लेकर इसी तरीके से आप अपने घर के लिए बहुत ही सुंदर सा ट्रेडिशनल चीज़ें खुद अपने हाथों से बना सकती हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं महाराष्ट्र में चल रही है बारी, मतलब पंडरपुर यात्रा चल रही है, एकादशी आने वाली है। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने अपने घर के लिए महाराष्ट्रियन बहू होने के नाते डिकोर पीस को मैंने बनाया। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो बताना ज़रूर। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।